गाइज, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है बजटिंग। जो बजटिंग है वो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, उसका टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बजट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। हमारा इंट्रोडक्शन है, अ बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ एन वन ईयर। बजट क्या होता है? एक फाइनेंशियल प्लान होता है, मतलब जो बजट होता है वो एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है। उसी डेफिनेट पीरियड में हम फाइनेंशियली क्या करते हैं, बजट बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए या इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक, फिर इट मे आल्सो इंक्लूड्स प्लांट सेल्स रिसोर्सेज क्वांटिटी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस एसेट लाइबिलिटीज एंड कैश फ्लोज। इसमें क्या करते हैं कि जो हम बजट बनाते हैं, तो बजट बनाने से पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, प्लान करना। कोई हम काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना। ठीक, वैसे ही बजट बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं और कितना एक एस्टिमेटेड बजट होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना हमारा बजट होगा अगर हम ये इस काम में पैसे लगा रहे हैं तो। फिर है सेल्स रिसोर्सेज क्वांटिटी, मतलब जो भी हम रिसोर्सेज की क्वांटिटी है उस कितना हमें सेल करना है वो चीज़ देखते हैं। फिर कॉस्ट क्या है, किसी भी काम में जो हम पैसे यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, कितने खर्च होंगे, कितने हमारे पास पूंजी है, एसेट्स कितने हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज है। ठीक, और कितना कैश फ्लो है, मतलब कितना कैश फ्लो का मतलब होता है कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें उससे आउटपुट कितना मिल रहा है अगर किसी पर्टिकुलर काम में हम पैसे लगा रहे हैं, तो उसे बजट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, द बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द टॉप मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटजी एंड गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर क्या होता है, बजट कब बनता है, जो टॉप के हाई अथॉरिटीज होते हैं ना मैनेजमेंट में, वो क्या करते हैं, बजटिंग करते हैं। कोई भी जो होता है दूसरे, अगर बिजनेस मैन है तो वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो पहले स्ट्रेटजी बनाता है कि हमें किस तरीके से एक बजट को प्लान करना है, फिर उसे अप्लाई करना है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है कि बजटिंग का एक प्रोसेस है जो हाई अथॉरिटी है वो स्टार्ट करती है अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए और स्ट्रेटजी बनाती है। ठीक, तो ये हमारा पूरा बजट। सो अब हम जानेंगे कि बजट का डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ के दो राइटर हैं जिन्होंने अपना अपना डेफिनेशन दिया है, अपना कंसेप्ट बताया है। अकॉर्डिंग टू टाइलर ने कहा है कि बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान। ये क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है किसका, गवर्नमेंट का, फॉर अ डेफिनेट पीरियड। मतलब जो बजट बनाते हैं वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक दिया हुआ जो टाइम होता है उसके अंदर ही हमें बजट प्लान करना होता है, क्योंकि बाकी के जो काम होते हैं बजट पे ही डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हमारा जो काम होता है वो होता है बजटिंग होता है। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनोनिमस, बजट इज द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस। एनोनिमस के अकॉर्डिंग क्या होता है, बजट क्या होता है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस का। ठीक, जो कि एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें पार्टी करनी है, तो पार्टी के लिए हम पैसे कलेक्ट करना है, मतलब बजटिंग करना है। तो पार्टी की एक फिक्स्ड डेट होती है कि मान लो 10 तारीख को पार्टी है, तो हमें क्या करना है, पार्टी के कुछ दिन पहले ही हमें क्या करना है, बजट को पूरा तैयार कर लेना है। उसके बाद पार्टी में कौन कौन सी चीज़ें यूज होगी, उस बजट के थ्रू हम क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे। सो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं। सो अब हम जानेंगे कि जो हमारा बजट है उसका पर्पस क्या है। हम हम बजट क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके, प्लान के अकॉर्डिंग जो भी हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम इवैल्यूएट कर सके फाइनेंशियल कितने खर्च हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट वॉन्ट टू कंट्रोल कॉस्ट, हम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, उससे हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा स्पेंड ना करें मनी। नेक्स्ट पॉइंट है टू एनहेंस द फिस्कल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसका पर्पस ये होता है बजट का कि फिस्कल प्लानिंग यानी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है और जो डिसीजन मेकिंग में वो क्या करता है, हेल्प करता है या उसे एनहेंस करता है बजट। ठीक है, मतलब हम कोई काम करना है उसके लिए हम सूटेबल कौन सा डिसीजन ले सकते हैं उसमें भी हेल्प कर सकता है। क्या हमने, हमारे पास जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम किसी सामान को परचेस करेंगे। अगर हमारे पास उतना बजट है ही नहीं तो हम कैसे उस सामान को परचेस करेंगे। तो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। टू अलाउ फीडबैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी स्पेंड, मतलब क्या होता है, जो बजट होता है वो क्या करता है, कितना हमने मनी स्पेंड करा है,
कितना यूटिलाइज किया है पैसे को, उसका फीडबैक देता है। जैसे कि मम्मी ने पैसे दिए 20 रुपए, जाओ ये सामान लेके आओ, उस सामान की जो कॉस्ट थी 10 रुपए थी, 10 रुपए क्या हुई वापस आई, तो क्या बताना है मम्मी को कि हाँ 10 रुपए का सामान मिला, 10 रुपए वापस मिले, तो क्या हो रहा है फीडबैक दे रहा है कि हाँ कि हमने इतने यूटिलाइज करा और 10 रुपए बचे हैं। इससे क्या मिलता है, फीडबैक भी मिलता है, तो इसका पर्पस ये भी होता है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एरियाज एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव सॉल्यूशन। जिस एरिया में प्रॉब्लम है ठीक है, तो उसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन देता है या फैसिलिटेट करता है कौन, बजट। इसमें भी इसका यही पर्पस होता है, मतलब जहां पे भी पैसे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बजट को हम खर्च करते हैं। सो अब हमारा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे जो हमने बजट प्लान करा है, बजट को प्लान क्यों करते हैं ठीक, तो कुछ ना कुछ तो उसका यूज होगा ही, इसलिए हम बजट को प्लान करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स To direct all employees to the goal of the organization, जो भी हमारे organization है, संस्था है या कॉलेज कह सकते हैं ठीक है, वहाँ के जितने भी employee हैं उन्हें direct करते हैं, उन्हें direction देते हैं कि जो हमारे organization के goal है कि इस साल हमें इतने income को earn करना है, तो उसे complete करने के लिए हम क्या करते हैं, budgeting करते हैं और इतना इनकम को अर्न करना और इतना हमें एक्सपेंड करना है और इतना क्वालिटी स्टडी देने के लिए स्टूडेंट को हमें इतने पैसे या बजट को एक्सपेंड करना है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। फिर है प्लान एक्टिविटीज टू मीट गोल। अब क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं ताकि जो भी गोल है, जो हमारा एम है, उसे हम कंप्लीट कर सके, उसे मीट कर सके ठीक। नेक्स्ट है टू फोरकास्ट द इनकम और इनपुट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बजट का एक और उद्देश्य क्या होता है कि जो भी इनकम्स होते हैं और जो इनपुट्स, हमने कितने पैसे लगाए हैं अलग अलग सोर्सेस से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम पहले से क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है, कि हमें कितने इनपुट लगाए हैं और कितने हमें आउटपुट मिलेंगे ठीक। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज है उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्च होगा या कितने कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफिल कौन करता है, उसे कैलकुलेट करने में हेल्प करता है बजटिंग ठीक। इसके अलावा एंड रिक्वायरमेंट इन कमिंग ईयर, कि अगर हमारा इस साल कॉलेज चल रहा है तो अगले साल कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं बजट को प्लान करते हैं। तो ये हुआ बजट का पर्पस ठीक, या उद्देश्य कह सकते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सरसाइज अ गुड कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है कि बजट का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये भी होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो खर्च है उस पर, जो लागत है उस पर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर कर सकते हैं ठीक है। ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे कि कोई संस्था है तो वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज होते रहते हैं हर साल ठीक है, कुछ करिकुलर एक्टिविटी हो गया या कुछ प्लान करते हैं या फेयरवेल हो गया या कोई मीटिंग हो या कॉन्फ्रेंस हो गया, तो क्या होता है हर संस्था में हर साल जो ईयरली या मंथली पैसे लगते रहते हैं ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं कंट्रोल ओवर करने के लिए क्या होता है, बजट को प्लान करते हैं। तो ये हो गया बजट का एक ऑब्जेक्टिव। सो अब हम जानेंगे कि बजट के टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हमारा फर्स्ट है इंक्रीमेंटल बजट, प्रोग्राम बजट, ओपन एंडेड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट, फिर है परफॉर्मेंस बजट, जीओ बेस्ड बजट, सेल्स बजट, रोल ओवर बजट, फिक्स्ड सीलिंग बजट, प्रोडक्शन बजट, फिर है कैपिटल बजट, है परफॉर्मेंस बजट, कैश बजट और सनसेट बजट। तो ये हमारे सारे क्या हुए, बजट के टाइप्स हुए। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। सो अब हम जानेंगे कि जो हमने बजट प्लान करा है उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके सिद्धांत क्या होने चाहिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अ बजट शुड एम टू मैनेज द एंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस। एक अगर अच्छे बजट का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको हम क्या करें, सही तरीके से उसे मैनेज करना है ठीक। एंड फॉर्म फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टिल द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारा उद्देश्य है उसके बनने से लेके उसे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने तक की जो प्रोसेस होती है उसमें ये हेल्प करता है बजट ठीक। नेक्स्ट है अ बजट शुड एनहेंस द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज। बजट के थ्रू क्या कर सकते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है उसे हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है, एक एफिशिएंट तरीका होता है बजट का। टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल मतलब किसके प्रति हम क्या करेंगे, एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उसके गोल को हम अचीव कर पाएंगे, उसमें हेल्प करता है ठीक।
नेक्स्ट है, अ बजट शुड डिमांड दैट ऑल एक्टिविटीज आर प्लान्ड इन एडवांस. एक अच्छा बजट प्लान तभी कर पाएंगे कि जो हमारे जो आने वाले एक्टिविटी है उसकी डेट जो है वो पहले से डिसाइड कर ले, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं बजट को प्लान कर सकते हैं, ये इसका प्रिंसिपल है. नेक्स्ट है, अ बजट शुड नॉट अडॉप्ट टू हाई और टू लो एस्टिमेट. मतलब एक अगर हम जब बजट बनाते हैं तो हमारा जो बजट है ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हमारे जो एक्टिविटी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे हम अचीव कर पाए. ठीक. नेक्स्ट है, अ टाइप ऑफ बजट प्लान इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बजट को प्लान करेंगे, ये हुआ हमारा पूरा प्रिंसिपल है बजट के. सो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करता है बजट को. ठीक है, जब हम बजट को प्लान करते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी कॉस्ट जो होता है वो अफेक्ट करता है बजट को. द बजट रिक्वायरमेंट विल डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द ऑब्जेक्टिव. किसी भी ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज की कॉस्ट कितना है वो अफेक्ट करता है बजट को, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम बजट बनाएंगे. अगर महंगा है तो हमारा बजट क्या होगा, हाई चला जाएगा. अगर सस्ता है तो हमारा बजट लो, बजट हम प्लान करेंगे. ठीक. नेक्स्ट, स्टाफ टर्न ओवर. स्टाफ टर्न ओवर में डिमांड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ एंड देयर सैलरी. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या होते हैं, न्यू स्टाफ अपॉइंटमेंट होते हैं. ठीक है, तो उनकी सैलरी कितनी होगी तो वो डिपेंड क्या करेगा, वो भी क्या करेगा कि वो अफेक्ट करेगा बजट को. ठीक है, मान लो 20 स्टाफ को अपॉइंटमेंट किया गया हॉस्पिटल में, तो 20 को क्या करना है, सैलरी प्रोवाइड करना है, तो क्या हॉस्पिटल के बजट को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा. तो हम उनके लिए कुछ ऐसा बजट को रखेंगे, सैलरी उनके रखेंगे कि क्या हो, सबकी जो नीड्स है वो पूरी हो सके और जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरी हो सके. ठीक. नेक्स्ट है, कंज्यूमर डिमांड. द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर नीड टू बी मेट बाय द एनी ऑर्गेनाइजेशन विद एन एश्योर्ड क्वालिटी. मतलब पहले देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी वाली चीज़ें हैं उसका कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो अगर ज़्यादा कंजप्शन होगा तो ज़्यादा डिमांड होगा, और जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी तो वो भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा बजट को. ठीक. सो दूसरे भी फैक्टर होते हैं जो बजट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस. कोई पार्टी हुआ, उसने क्या किया, किसी जो रिसोर्सेस है उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा कर दिया है. ठीक है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जो बजट को अफेक्ट करती है. एनी अनएक्सपेक्टेड नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर. कोई भी डिजास्टर आ गया, जैसे कि फ्लड आ गया, ठीक, टोरेंडो हो गया, सुनामी हो गया, तो ये क्या करते हैं, हमारी कंट्री को, हमारे जो इकोनॉमिक है उसे हिला कर रख देते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बजट को. ठीक. नेक्स्ट है पैंडेमिक, जैसे कि महामारी हो गया कोरोना. तो कोरोना ने क्या किया, हमारे देश की पूरी आर्थिक स्थिति को इफेक्ट करा है. तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बजट को. आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में ऐसे नर्सेस से रिलेटेड वीडियो के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में.